नामी हो या ना, कोई जाए सुबह को कोई जाए शाम, रोते रोते जाए सब, हंसता जाए न कोई, हंसता हंसता जाए तो उसका जन्म न हो। मिट्टी नहीं सुगंध रे, भले बुरे भले भले सब फूल, यही सार अस्तित्व का, यही ज्ञान का मूल। फल तेरे हाथों नहीं, कर्म तेरे हाथ, करता चल सत्कर्म तू, सोच न फल की बात, सोच न फल की बात। अभी मैं से निवेदन करता हूँ कि वो एडी एंटोनी सर की जो प्रतिमा है उस पर पुष्पांजलि। एक छोटे से स्कूल से जब वहां पर LIC का जो ऑफिस था वहां लगता था, छोटा सा स्कूल, और इसी डिसिप्लिन पे वो धीरे 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 आज इतना बड़ा फाउंड खड़ा करके वो चले गए। तो ये सब पूरा परिश्रम जो होता है एक संकल्प डिसिप्लिन का होता है, कि अगर हमारे पास एक डिसिप्लिन है, नियमित काम करने की लगन है, तो हम किसी भी छोटे कार्य को इतना बड़ा कर सकते हैं कि वो समाज में एक नया मिसाल पेश करे। आज आप सब हमारे शिक्षकों में एक ऊर्जा दी, वो शिक्षकों में वो जो ऊर्जा थी, वो ऊर्जा आप में प्रवाहित करी शिक्षकों ने, और आप जैसे कई स्टूडेंट यहाँ पर IAS और IPS बनकर भी इस समाज में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। अभी मैं नमन करता हूँ और सर से तो वैसे हम सभी टीचर्स की और सारे बच्चों की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, लेकिन जहां तक अगर प्रश्न अगर अनुशासन का है तो वैसे तो सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और आज तक उनकी जो बताई गई बातें उन पे हम आज भी चलते हैं और कहीं ना कहीं उसको करने की कोशिश करते हैं। सर ने जैसा अनुशासन के बारे में कहा तो मुझे उस अनुशासन से संबंधित वैसे तो कई सारी बातें उनकी याद है, लेकिन फिर भी एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं अनुशासन से संबंधित। मुझे याद है कि सर ने एक बार हम सारे टीचर्स को सारे स्टूडेंट्स को जब सर थे तो चूंकि राष्ट्रगान का नियम है कि वो 52 सेकेंड में पूरा हो जाए, तो उस 52 सेकेंड में उस राष्ट्रगान को पूरा करने के लिए सर ने हम सबको टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स को इस ग्राउंड पे लगभग 2 से 2.5 घंटे तक प्रैक्टिस करवाई थी। और हम लोगों ने जैसे ही शुरुआत करी थी सारे टीचर्स ने और उस बच्चों ने वो गाने की, तो कई बार कभी 54 सेकेंड हो जाते थे, कभी 56 हो जाते थे, कभी 1 मिनट लग जाता था, कभी जल्दी गा लेते थे, लेकिन सर ने फिर भी बार बार हमको रिटेक करवाए। फाइनली जाके सर ने इतनी प्रैक्टिस करा दी थी कि वास्तव में वो फिर राष्ट्रगान 52 सेकेंड में ही पूरा होने लग गया था। मतलब कहीं ना कहीं वो उनका जो अनुशासन था वो अनुशासन वास्तव में न सिर्फ इस स्कूल के लिए बल्कि नागदा के बल्कि बाहर के भी सारे स्कूलों के लिए वो अनुशासन एक बहुत ही प्रेरणादायक था। मुझे मालूम है कि सर आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी उनका आशीर्वाद उनका प्यार हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे इस स्कूल के साथ सारे स्कूल के साथ और सारे टीचर्स और सारे बच्चों के साथ हमेशा रहेगा। आपका सर का और मैडम का हमेशा हम सब पर आशीर्वाद रहे, इसी मैं हमेशा कामना करता हूँ। और हमेशा सर और मैडम हमारे साथ जुड़े हुए, इसीलिए आज भी मदर मेरी का परचम जो रहता रिजल्ट के मामले में वो आज भी पूरे उज्जैन जिले में हमेशा छाया हुआ रहता। और सर और मैडम की अगर ऐसी ही कृपा रहेगी और हम सारे टीचर्स अगर ऐसे ही हार्ड वर्किंग करते रहेंगे और बच्चे भी हमारा साथ देंगे तो निश्चित ही मदर मेरी पुनः अपनी बुलंदियों पर और अपने रिजल्ट के परिणाम के बेस पे वापस से छाएगा, ऐसी बहुत बहुत मैं कामना करता हूँ और सर के चरणों में पुनः नमन करता हूँ। ठीक, थैंक यू। सर और मैडम के चरणों में श्रद्धांजलि और सागर चरण स्पर्श। मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ ये माइक पकड़ के, तो ये देन सर की ही है। सर के बारे में बोलने के लिए तो बहुत कुछ है और उन पर एक थीसिस भी लिखी जा सकती है, वो भी मेरे ख्याल से कम होगी। हर पल हर क्षण और हर एक शब्द में उनके एक सीख होती थी, वो जो भी बोलते थे वो हमारे लिए एक सीख होती थी। मतलब मैंने नर्सरी में पढ़ाया, नर्सरी से लेकर के जब मैं 17 इयर्स की थी और मुझे साड़ी पहनना भी नहीं आता था, तो मैडम ने माँ का रोल निभाया और सर ने पिता का।
जब कभी छोटे बच्चों में उलझ जाते थे, साड़ी निकल जाती थी, तो मैडम आकर के हमारी साड़ी को समेट के और पहनाती थी। कई बार फॉल निकल जाती तो पिन लगा के, आल पिन लगा के हमको घर तक जाने की सुविधा करती थी। तो ये एक रोल माँ ही कर सकती है। जन्म देने वाली माँ भी होती है, लेकिन जिंदगी को चलना सिखाने वाली माँ भी एक होती है, वो ये है। और हमेशा बोलती थी मुझे कि तू मेरी धर्म की बेटी है, ये है मारिया, लेकिन तू मेरी धर्म की बेटी है। तो ये हम दोनों का साथ इसीलिए नहीं छूटता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका आशीर्वाद हमारे साथ में है। इनकी जो प्रेरणा है उन पर हम हमेशा चलते रहेंगे, उन्होंने जो सिखाया है उस पर हम अमल करते रहेंगे। सर के बारे में तो बोलना बहुत ही मुश्किल है, मैं क्या क्या बोलूं उनके लिए। कितना भी अच्छा काम करके हम रख देते थे, वो एक कॉपी चेक होगी तुम्हारी, यस सर, सब कंप्लीट है, यस सर, एक कॉपी निकालते और जो पन्ना वो खोलते उसके ऊपर बता देते कि ये देखो यहाँ यहाँ तुमने ये गलती की, जबकि हम रात दिन मेहनत करके और कॉपी चेक करके रेडी करके रखते थे। तो बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। हर मुसीबत में चलना सिखाया उन्होंने। मैं बहुत छोटी उम्र से लग गई थी यहाँ पे, और जिम्मेदारियों का बोझ भी घर से बहुत था। एक वो ही शख्स ऐसे हैं जिन्होंने मतलब यहाँ लाके खड़ा किया, आर्थिक रूप से भी मेरे को उन्होंने संपन्न बनाया। क्या करना है, ट्यूशन पढ़ाओ, कहाँ पढ़ाएगी, सुबह स्कूल लगता है, दो रूम खाली है, यहाँ बैठ के पढ़ाओ। दोपहर वाले बच्चों को सुबह बुला के पढ़वाते थे, क्योंकि मेरे 17 इयर्स की ओल्ड में ही मेरे पिताजी की भी डेथ हो गई थी, घर में कमाने वाला कोई नहीं था। तो सिखाना भी है उनको और आर्थिक मदद भी दिलवानी है, तो वो कैसे करते थे ये ईश्वर ही जानता है। और किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, जो गुण आज मैं मारिया मैडम में भी देखती हूँ। इनको भी कभी भी किसी के बारे में पता चलता है, तुरंत उठ के खड़ी हो जाती है, दौड़ के चली जाती है। ना वो अपने शरीर को देखती है, ना पैसे को देखती है, ना किसी और को, तुरंत सेवा में लग जाती है। तो ये भाव, ये विचार जो सर के और मैडम के हमारे लिए थे, उनके लिए थे, वो हम उन पर अमल करते रहेंगे, और उन्होंने जो सीख दी उस पर हम चलते रहेंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए थोड़ी सी बात बोलूँगी कि भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते। हम जानते हैं भीड़ इकट्ठी होती है तो उसमें सभी लोग अच्छे नहीं होते, और जो अच्छे लोग होते हैं उनकी भीड़ नहीं होती, वो एक शख्स ही होते हैं। तो हर डांट में जो प्यार रहता था वो सर आज भी बहुत याद आता है। हर बीता लम्हा अब तो बस आंखों में आंसू ही लाता है। तस्वीर बची है अब तो बस, जो हमें जीने का हौसला देती है। आप न जाने कहाँ गए, बस आपकी प्रेरणा ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। सादर सशक्त नमन। और आज पूरे विद्यालय की ओर से और सारे बच्चों की ओर से ये श्रद्धांजलि सर को समर्पित करती हूँ। धन्यवाद सर। मैं निंदा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप किस स्कूल में खड़े हैं, आपको उसकी गरिमा का ध्यान भी हर आप जीवन में कहीं भी जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी शुरुआत कहां से हुई, कहां से हुई शुरुआत। इसमें कितने बच्चे हैं जो नर्सरी से यहां एडमिशन लेंगे, है ना। तो नीरज चोपड़ा कौन है, कौन से गेम में, तो हमें
ये तय करना चाहिए सबसे पहले कि हमारे रोल मॉडल कौन होना चाहिए, है ना। तो सर ने हमें सबसे पहली सीख ये दी कि आपके लिए प्रेरक कौन है और प्रेरणा आपको किस चीज से लेना है। सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा, जैसे अभी जी को भी अभी उनको मंथन करना चाहिए, वो बोल देते कि मेरे लिए तो मेरा फादर ही है, तो मैं समझता है कि हाँ वो सोच के जहन में उतरे हैं, सोच का सागर उनके मन के भीतर हिलोरे लेता है। तो अभी जी सोचिएगा आप, है ना। और आप सभी के लिए एक चीज मैंने आपको बताई दी है कि कोई भी किरदार बड़ा नहीं होता है, जैसे हालात होते हैं उन हालातों का सामना किस तरीके से किया गया है वो चीज व्यक्ति को बड़ा बनाती है। तो अब मैंने आपको ये बात क्यों कही, अब मैं बताता हूं, इसके पीछे एक बहुत छोटी सी कहानी है। ये जो स्कूल आपको इतना यहाँ पर भव्य रूप में दिखता है, ये यहाँ बसें खड़ी है और बहुत कुछ है, मतलब अब तो आपके लिए, लेकिन अब मैं बताता हूं, ये इस स्कूल की शुरुआत सिर्फ एक कमरे से हुई थी। कितने? सिर्फ एक कमरे से। ये आपको बताता हूँ, ये जो गांधी रतलामी सेव जो है, रतलामी सेव को जानते हैं, उसके पास में एक पीर मोहम्मद जी टाट का मकान है, वहां पर वहां से एक छोटी सी शुरुआत हुई। वो बड़े सर ही थे और मैडम का उनके साथ खड़े रहना मजबूती से उसी का एक परिणाम था कि जो आज ये वट वृक्ष के रूप में आप सभी इतने सारे सैकड़ों हजारों बच्चों को छाया दे रहा है। अब बड़े सर ने कैसे स्कूल को चलाया हम नहीं जानते, क्योंकि हम भी साल साल भर तक फीस ही नहीं देते थे, और मेरे जैसे बहुत सारे मतलब 80% बच्चों की स्थिति ऐसी होती थी उनके पालकों की, क्योंकि वो जमाना ही अलग था। हमारे माता पिता के लिए भी कुछ दूसरा काम करने को नहीं होता था, जो जहां है बस वो एक सीमित आय थी, सीमित वेतन था, उसी में किस तरीके से वो करते थे, उनकी भी मजबूरियां होती थी, लेकिन उन मजबूरियों को अपनी मजबूरी समझना ये गुण बड़े सर के भीतर था। उन्होंने कर्ज लेकर ऊंची ब्याज दर, उनकी मजबूरियों का फायदा जो उठाना चाहते थे उन्होंने खूब उठाया भी सही, और सर बहुत विषम परिस्थितियों में घिरे भी, लेकिन उन्हें कभी भी इस स्कूल की नींव की एक ईंट को भी अपनी जगह से खिसकने नहीं दिया। ये हिम्मत, ये ताकत उनके भीतर थी, और वो इसलिए थी क्योंकि उनके जहन में एक ही बात सबसे अधिक तरीके से पेट करी हुई थी कि मेरे बच्चों का भविष्य मैं बनाकर रहूंगा। उनके भीतर तेरा मेरा, ये मेरे दोस्त का, ये मेरे भाई का, ये सब कुछ भी नहीं था, उनके लिए सब समान रहे। और यही मैं कहना चाहता हूं कि उनका जो व्यक्तित्व था, उनसे देखिए व्यक्तित्व और कृतित्व में बहुत अंतर होता है। एक व्यक्ति होने के नाते आपके अंदर कोई बहुत अच्छा गुण और कोई बुरा अवगुण भी हो सकता है, लेकिन आपने काम क्या किए हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो सर ने जो प्रतिमान गढ़े उसको आपकी मारिया मैडम, मैं उन्हें शालू कहता हूं क्योंकि हम साथ में पढ़े, आपकी जो प्रिंसिपल मैडम है वो भी इसी स्कूल की छात्रा रहेगी, तो अगर बड़े सर का अंश मात्र भी आपकी शालू मैडम निभा रही है वैसे तो, और आगे भी अगर निभाती रहेगी, तो मेरा मानना है कि ये मदर इंडिया अर्थात मदर मेरी, हमारे जमाने में इस स्कूल का नाम मदर इंडिया होता था, बाद में सरकार की कुछ पॉलिसी आई और इसका नाम मदर मेरी हो गया, ये निरंतर उन्नति के पथ पर और शिखर पर आरोहण करेगा, यही मेरी कामना है। आप सभी से ये कहना चाहता हूं, मेरे इस दो लाइन को हमेशा याद रखिएगा कि जिनके होठों पे हंसी कि जिनके होठों पे हंसी और पैरों में छाले होंगे वही लोग आपके सच्चे चाहने वाले हों। तो हमेशा ध्यान रखिए, आप जिस भी स्थान पर हो, अगर आप में थोड़ी भी कुपथ हो दूसरों का, विपत्ति में गिरे आदमी का हाथ थामने की,
तो आप जरूर एक हाथ अपना आगे बढ़ा देना ताकि वो भी आपका हाथ थाम कर आगे ना सही आपके साथ तो खड़ा हो सके। बहुत बहुत नमन करता हूँ हमारे बड़े सर को। मेरे और भी साथी लोग यहाँ पर हैं, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके मन में आज जैसे शानू जी ने, उनके लिए वो एक पिता है और पिता को याद करना बेटी के लिए जरूरी नहीं होता है क्योंकि वो तो उनके दिल में ही बसे, लेकिन एक व्यक्तित्व के रूप में मारिया जी ने, जो मदर मेरी की प्रिंसिपल है, उन्होंने आज जो हमारे सबके प्रणेता रहे हैं, हमारी जिंदगी के जिन्होंने कांटे चुने हैं, और आज हम जी हमारे जीवन की बगिया में अगर जो फूल हमारे पास है अगर वो है तो वो हमारे बड़े सर के कारण है। आशा करता हूं कि आपकी जिंदगी में भी खुशियों की फुलवारी हमेशा महकती रहे और आपके किए गए कार्यों से औरों का जीवन भी सुगम बने, यही कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, उसके पहले भी बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, तो इट डजंट मैटर, यहाँ पे आके खड़े होना, आप लोगों को भाषण देना, आप लोगों को बोलना, ये सबसे पहला जो कार्य होता है। जैसा मैंने कल कहा था, जब हम जन्म लेते हैं तो आवर फादर एंड मदर दे आर एवरीथिंग फॉर अस। हमारे मम्मी पापा, जब एक छोटा बच्चा रहता है तो उसके लिए वो मम्मी को ढूंढता है, पापा को ढूंढता है। ये ऑब्जर्व करना, तुम लोग सब बड़े हो चुके हो, तो वो अपनी मम्मी के लिए रोता है, अपने पापा के लिए रोता है कि पापा आ गए, इतना खुश होते हैं। एंड देन सेकेंड स्टेप जाती है वहाँ जहाँ हम स्कूल में कदम रखते हैं, राइट? जब हम नर्सरी क्लास में जब हम एडमिशन लेते हैं तो बच्चा जब मेरे पास यहाँ पे आता है तो वो मेरे पास आने के लिए भी मुझे डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ता है, हार्डली 2 steps, 2 कदम करने पड़ते हैं बच्चे को और वो मेरे पास आ जाता है। उसके लिए भी मुझे क्या लालच देना पड़ता है, बेटा मेरे पास चॉकलेट है, ठीक है, मेरे पास चॉकलेट है, ले लो, आप नाम बताओ अपना, एंड देन वो बच्चा मेरे करीब आता है। तो एक माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में डालता है और निश्चिंत हो जाता है कि अब मेरे बच्चे का भविष्य तैयार हो गया, मतलब नाउ दे आर, छुट्टी हो गई उनकी, अब तो भैया ये बच्चा आपके हाथ में सौंप दिया है। सारे टीचर्स यहाँ पे हैं, वंदना मैडम है, शरद भैया है यहाँ पे, तो ये सब ये जानते हैं, जितने भी आते हैं अभी भी वही चल रहा है, मैडम मेरे सामने जो मैं भूमिका निभाती, मैं मेरे सामने मैं देखती थी, वो आज मैं फील करती हूँ, ये बच्चा आपके हवाले कर दिया है, आप देखो अब चीजें कुछ बदल गई हैं। पहले ये डायलॉग हुआ करता था कि हड्डी छोड़ देना, मांस मांस आपका, अब ऐसा हो गया है कि अगर एक डंडा भी पड़ जाए तो पेरेंट के साथ में दल झुंड आ जाते हैं, झुंड के साथ में अखिल भारतीय आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। मैं बहुत डेयरिंग के साथ खुले रूप में बोल रही हूँ क्योंकि होता है ऐसा, मैंने फेस किया है। क्यों हाथ लगाए आज? अगर 2-3 चीजें तो पिंकू बोलते हैं उनको, तो 2-3 चीजें तो वो भूल ही गए कि जब मार पड़ती थी ना तो यहाँ पे हरे हरे लाल लाल ऐसे ऐसे निशान हो जाते थे पैरों पे, और तब तो पापा देखते ही नहीं थे कि वो लड़की है कि लड़का है, मेन चीज। आज तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि लड़की को मार दिया तो पेरेंट्स आ जाएंगे, लड़के को मार दिया तो कभी कभी मेरे में उनकी आत्मा भी आ जाती है। तो मैं ना, आप ऑब्जर्व करना, मेरे ऑफिस में मम्मी का फोटो लगा हुआ है तो वहां पे मैंने हार नहीं चढ़ाया है, पापा का फोटो मैडम के ऑफिस में लगा हुआ, हार नहीं चढ़ाया क्योंकि मुझे दिन भर यही लगता रहता है कि वो यहीं पे आसपास ही घूम रहे, तो ही दे आर लाइव विद मी। लड़कियों के लिए स्पेशली मैं जब मैं पैदा हुई तो मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं एक, मेरे मम्मी पापा भी वही थे और मेरे शिक्षक भी वही थे, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड फर्स्ट ऑफ ऑल कि दे हैड गिवन मी सच टाइप ऑफ पेरेंट्स हु टीच मी एंड हु आर विद मी अलोंग माई लाइफ। तो जब मैं पैदा हुई थी, मैं सरकारी हॉस्पिटल में पैदा हुई हूँ, एक नॉर्मल, हम लोग साउथ इंडियन है बट मम्मी पापा यहाँ पे आ गए, उसके बाद फिर इधर की कहानी नागदा आ गए ग्रेसिंग को देखते हुए। तो जब मैं पैदा हुई तो जब जैसा आज भी कहीं नहीं कहीं नियम है कि लड़की हो गई, राइट, लड़की हो गई, क्या हुआ, अरे लड़की हो गई, लड़का हो गया तो बहुत निहाल हो गया है ना, कई लड़के बहुत ही निहाल ही कर रहे हैं, तो लड़की हो गई। तो सबसे पहले जो व्यक्ति खुश हुए थे मेरी मम्मी के पहले, वो मेरे पापा थे। वो आज दर्द है मेरे को कि मेरे पापा थे, कि मेरे पापा मेरी मम्मी क्यों नहीं खुश, दादी चली गई
अरे लड़की हो गई, पहली लड़की हो गई, और अब क्या करेंगे आप? कौन कौन रोशन करेगा नाम? अब कितने बच्चे लड़के ऐसे जो रोशन कर रहे हैं? बहुत कम है ऐसे, लड़के ही ज्यादातर रोशन कर रही है। तो लड़की हो गई तो पापा ने मुझे छोटी सी को एकदम से, इतने इतने से बच्चे होते हैं देखा होगा आप लोगों ने, इतने छोटे छोटे से हाथ के बराबर भी नहीं आते। छोटी सी को मेरे को क्रिसमस का टाइम है, 31 दिसंबर मेरा बर्थडे आता है, वो उसमें मेरे को कोर्ट के अंदर रख लिया। बहुत सी कामना हो गई, चलो वाह ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब इतना मारना, मतलब समझ ही नहीं आता था कि क्या चल क्या रहा है, हरा 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 दिन भर घर पे जाओ तो मम्मी को बोलो, मम्मी बोले तो तूने पढ़ाई नहीं करी होगी, तुमने ऐसा कर दिया होगा वैसा कर दिया होगा। फिर अरे कितना जुल्म हो रहा है ये सब। आज जब मेरे ऑफिस में हरा कारपेट लगा हुआ ना, तो ये हरा डंडा है मेरे लिए कि मैं आई एम सिटिंग ऑन दैट चेयर एंड आई एम मैनेजिंग होल माई मदर मेरी स्कूल। क्यों? क्योंकि वो अगर डंडे नहीं पड़े होते ना, तो आज इस काबिल नहीं बैठे होते कि मुझे स्कूल चलाने के लिए इतनी ताकत मिलती हर एक चीज में। हम जब कोई लोग नहीं रहता है ना, हम बहुत याद करते हैं। तो मैं एवरी टाइम आप लोगों को बोलती रहती हूँ कि हमेशा डोंट फॉरगेट योर मदर एंड फादर, मेन थिंग। हम गुस्सा बहुत होते हैं, क्या यार क्या पता नहीं क्या दुश्मनी है, क्यों मारते रहते हैं, क्या दुश्मनी है, क्यों ऐसा करते रहते हैं। मेरे पापा तो मोबाइल नहीं दिला रहे हैं, अब तुम लोग बड़े बड़े हो, हमारे को मोबाइल ही था बताया, जैसे मोबाइल नहीं होगा कैसे कर रहे हैं। हमने दिवाली में वो ड्रेस मांगी थी, हम खुद दिए। अरे तुम ये सोचो कि वो किस तरह से दिन भर काम करते हैं, किस तरह से मम्मी घर पे खाना पकाती है, कैसे अरेंजमेंट होता है। अभी तो आप लोगों को किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं है, सब लोग 2 साल 1 साल घर पे रहे हैं, आप लोगों को परिस्थिति का सामना करना पड़ा था उन सब चीजों का, फिर भी घरों में ये मुसीबत नहीं आई। बच्चा पेट भर के खाया है, एक बार माँ बाप ने अपने मन को मार लिया, लेकिन बच्चों ने जरूर खाया है खाना अच्छे से। तो डोंट फॉरगेट दिस। और क्या मतलब थीसिस, मना बोले थीसिस, क्या थीसिस, मतलब समझ ही नहीं आता उनके बारे में क्या लिखें। कभी भी स्कूटर से निकल जाते थे, मालूम ही नहीं कि कहाँ चले गए, पता पड़ रहा है कि किसी को बाल पकड़ के खींच करके गाड़ी बिठा के यहाँ पे लेके आ गए। अरे क्या हो गया? अब देखो देखो कलर कलर का फर्क भी होता है, कलर सब लोग, आप लोग तो गोरा काला, कालू सर करके उनको बोलते थे ऐसा, लेकिन जिंदगी में बच्चों के नाम पे उन्होंने गोरा ही किया है सब कुछ, है ना? ठीक है, यू फील लाइक लाफिंग, बट अच्छा सफेद सफेद मिला है। कई बच्चे अब्रॉड में है, फॉरेन में है, कई बच्चे कहाँ पे हैं, कई बच्चे कहाँ हैं पूछते हैं। कल मेरे आंखों के सामने 2 एडमिशन बच्चों के आए, दोनों पड़े हुए थे। अरे शालू दीदी, मेरे को उस वक्त बच्चे दीदी बोलते थे, तो दीदी ऐसा ऐसा कितना अच्छा हो गया स्कूल, सब अलग अलग करते हैं, बाकी ये कुछ भी नहीं है। अब हम और बड़े बड़े स्कूल को देखेंगे तो कुछ भी नहीं, लेकिन उस टाइम पे एक कमरे से शुरुआत होना, 6 बच्चों को बिठाना, और पीरियड कैसे लगते थे? पीरियड एक पापा पीरियड लेते थे, एक मम्मी पीरियड लेती थी, ये हो गया पीरियड चेंज। घंटी जाती थी, मम्मी जाके खुद ही घंटी बजा लेती, अब पापा का पीरियड है, पापा घंटी बजा रहे हैं वहां पे। मैंने भी यहाँ पे झाड़ू लगे, वंदन भी लगा दी यहाँ पे। यहाँ पे आत्माएं बसती है, और यहाँ से जब बच्चा कोई मस्ती करता है ना, तो आत्माएं जलती है कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तो फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, जस्ट खूब अच्छे से पढ़ाई करो। और ये सब हम देख रहे हैं, इतना खतरनाक सिचुएशन चल रही है अभी आजकल कोरोना के कारण। हम लोग फाइनेंशियली कम खर्चा करो, मम्मी पापा का रेस्पेक्ट करो, और कम से कम किसी को भी दुख देना कम करो किसी भी कारण से। जैसे कि शरद ने बोला कि हमको किसी को दुख नहीं देना, हमारे कर्मों को इतना अच्छा करो, पीपल विल रिमेंबर योर वर्क्स, आपके काम को रिमेंबर करेंगे, आपको नहीं रिमेंबर करेंगे। काम मुझे भी याद नहीं मेरे बैच में कौन थे, मेरे को तो एक दो तीन लोग याद है जो अभी यहाँ पे हैं, बाकी तो मुझे भी याद नहीं कौन थे। बट आई रिमेंबर द टीचर्स हु टीचर्स मी, आई रिमेंबर माई फादर, आई रिमेंबर माई मदर। डोंट फॉरगेट एनीथिंग एल्स, हमको बस पढ़ना है और खूब नाम रोशन करना है, और ईश्वर को तो हमेशा याद करना है। अब ईश्वर ने तो हमें दिखा दी भैया कोरोना है, अब तुमको क्या करना है, मैं तो कभी भी तुमको झटके से बुला लूंगा, कभी भी कोई सी भी विपत्ति आ सकती है, बट हमको स्टेप बाय स्टेप हमको वैसे चलना है कि आसपास का भी ध्यान रखता है। लगता है कि हमने एक बिस्किट का पैकेट लिया और सामने वाला 2 बच्चा भूख के मारे तड़प रहा है, उसको दे दो, हम एक और ले लेंगे। बिकॉज गॉड थिंक लाइक दिस वे, वो सोचता है उसने ये कर्म किया है तो हमें ये कर्म करना पड़ेगा, हमें अच्छी अच्छी चीजें करना पड़ेगा।
मुझे कोई भाषण देने का शौक नहीं आप लोगों को, बार बार सिर्फ इसीलिए हम लोग बोलते हैं, बड़े बड़े जिंदल सर सब चावड़ा सर सब बोल रहे हैं यहाँ पर, आप लोगों को फील भी हो रहा होगा कि आप पका रहे हैं कि तो बोल कर रहे हैं, बट ये चीजें कब याद आती है, जब आप बड़े हो जाओगे ये सेम चीजें आप यू टेल टू योर किड्स, आप अपने बच्चों को बोलोगे। हम लोग भी यही सोचते थे है ना, हम लोग भी सोचते थे क्या पिता बोल रहे हैं यार, चलो जाओ ना यार, पीरियड आ गया, ये आ गया, क्या कितना एक ही बात एक ही बात एक ही बात, अरे एक बात बोल बोल के आज इतना बड़ा दैनिक भास्कर के हैं वो चीफ ब्यूरो। सोचा था ना उनने, सोचा था ना मैंने, सोचा था ना मेरे पापा ने, सोचा था ना उनके मम्मी पापा ने, सोचा था ये कोई मस्ती करने वाला बच्चा इतना बड़ा ब्यूरो ऑफिसर। आज दैनिक भास्कर का कुछ काम रहता, दैनिक भास्कर इज वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर, आप लोगों ने सबने सुना होगा, वहां का ब्यूरो चीफ रहना, अगर कुछ भी काम होता है तो मैं डायरेक्ट ऐसे ऐसे खबर करना ऐसा हो गया और किसी ने मेरे पे वो कर दिया तो देख लेना न्यूज मिल देख लेना, ऐसे करके रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, ये के बच्चे हैं सब हम, तो आप लोग और कहां कहां जाएंगे। 10 बार ये दुआएं करती हूँ कि आप लोग बहुत उन्नति करो, बहुत इच्छा थी डॉक्टर बनेंगे इंजीनियर, मैं तो बहुत ऐसी रही हूँ अभी भी, अरे यार डॉक्टर बन जाते हैं, अरे क्या करें इंजीनियर बन जाते हैं, भले ही टेट 9th में, फिर मैंने सोचा नहीं यार अब तो पायलट बनूंगी मैं, तो ऐसा एरोप्लेन चलाऊंगी ऐसे करके। कैलाश परवाल तुम्हारे बैच में हुआ करता है, तो कैलाश वो ट्रेन में है, मैंने इंजन गाड़ी चलाएंगे ट्रेन चलाएंगे, किसी बच्चे को मालूम नहीं है कि आपका फ्यूचर क्या है, फिर वो पुलिस में बन जाएंगे। अब ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बने, एक स्कूल के प्रिंसिपल बनी हूँ तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, लेकिन तुम लोगों को जब मैं सुनती हूँ ना, अरे वो बच्चा वहाँ बन गया, वो बच्चा वहाँ बन गया, आई थिंक यार चलो यार यही कमाया अपन, बच्चे निकल गए अपने और सब बन रहे तो हम बन गए। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट गुड फील्ड इन द वर्ल्ड, बहुत अच्छी फील्ड है, तुम लोग बहुत अच्छे नाम रोशन करो, बहुत कमाओ, और सिर्फ इतना करना कि हमारी ब्लेसिंग्स तो आपके साथ में, आप लोग भी हमारे लिए प्रेयर करना कि आप हम लोग इस तरह से बच्चों को पढ़ाते रहें, हमारे पापा को जो इतना बड़ा देखे गए मुझे स्कूल देखे गए है ना, मेरी मम्मी साथ में ये सब देखे गए, तो इनको अच्छे तरक्की करते रहें। थैंक यू और गॉड ब्लेस यू। मैं भी चरणों में वंदन करूंगी, मैं भी चरणों में भी करूंगी, मेरे को तो स्टेज पे बोलने में और स्टेज पे चढ़ने में बहुत डर लगता है, लेकिन क्या करूं, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई जब सर की बात चल रही थी। तो मैं जब यहाँ 11th में एडमिशन लेने आई थी तो सर ने कहा कि मेरे तो 55% था 12th में और 60% कंपलसरी था यहाँ अगर बायो लेना हो, तो सर ने बोला कि आप मेहनत कर लोगी, तो मैं सर के सामने यस और नो में भी जवाब नहीं दे पा रही थी, इतना डरते थे हम लोग उस सर से। फिर मेरे पापा साथ में आए थे, फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं कर लेंगे सर के ऐसा ऐसा। फिर जब मैं स्कूल में आई तो क्या बोलते संजय वर्गे, संजय व्यास, दीपाली वैशाली, ये मेरी बेच के रहे यहाँ पे, तो मैं 7:15 में स्कूल में आई, पहला ही दिन था मेरा उस दिन स्कूल का, तो सर ने देखा कि 7 स्कूल लग रहा है, 7:15 मैं आई, सर ने मुझे कुछ भी नहीं बोला क्योंकि मेरा फर्स्ट डे था, सर ने मुझे समझाया कि कल से तुमको करेक्ट 7 स्कूल में आना है, ओके सर सॉरी बोला, वो क्लास में एंट्री करी। हमारा बायो का पेड़ था सबसे पहले यहाँ पे, और फिर ऐसा बहुत डरी डरी रहती थी मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं तो पहली नई लड़की आई थी 11th क्लास में यहाँ पे। फिर दूसरे दिन में फिर 7:15 पे आई, सर ने मुझे बोला कि तुम आज भी लेट हो गई हो, उनका कुछ भी नहीं बोला, फिर मैंने सॉरी बोला, सर ने मेरी कमर से बेल्ट निकाला और मुझे उस बेल्ट से लगा दिया। अब जो बेल्ट का आगे का जो लोहे का रहता है ना उससे मेरे पीछे पूरा छप गया। मैं जब घर गई तो पापा ने मम्मी ने पापा को बताया कि आज सर ने इनको इतना मारा, पापा ने बोला कुछ गलती करी, उन्होंने बताया मैं लेट गई थी, बोले ठीक है। फिर मम्मी ने बोला कि आप तुरंत जाओ, इतनी बड़ी लड़की और इतनी जोर से मारा, तो फिर मैंने बोला नहीं 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 स्कूल में मत जाना, मैं कर लूंगी मैंने जैसे भी होगा, पर मैंने पापा को बिल्कुल नहीं आने दिया यहाँ पे। और उस समय मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे को इतनी जोर से मारा, लेकिन क्या बोलते हैं कुछ नहीं, ठीक चलता रहा। फिर जब मैं बड़ी हो गई, शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, फिर सर ने मुझे देखा, मैं डॉक्टर चावला के यहाँ पे अपने 2 छोटे बच्चों को लेके गई थी वहाँ पे, सर ने मेरे को वहाँ देखा, ऑब्जर्व किया, ये लड़की फटक से मेरे पास आए, बोले तुम अकेली अपने 2 बच्चों के साथ में यहाँ क्या कर रही हो। फिर वो मेरी परिस्थिति देख कर ही वो समझ गए कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, उनको डर के मारे शर्म के मारे मैंने कुछ नहीं बोला, और उन्होंने फिर मुझे गाड़ी पे बिठा के मेरे 2 बच्चों को मुझे घर पे लेकर आए, घर पे लेके आए, उन्होंने मेरी सारी सिचुएशन देखी वो सब कुछ समझ कर, मेरे को बोलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। जब मुझे लगा कि वो जो डंडा मेरे को टिकाया था सर ने, वो मेरा मतलब उनका प्यार था और मुझे कहीं राह दिखानी थी उनको, फिर वो मुझे अभी क्या बोलूं उनके बारे में, फिर वो मुझे वहां यहाँ लेकर आए, बोले बेटा आज से तुम इधर ही रहोगी,
मैं पहली बार जब यहाँ आई मैंने मीटिंग अटेंड करी, इतना स्ट्रिक्ट माहौल, मैं यहाँ देखती थी कि टीचर आए दिन रो रहा है, मैं कैसे यहाँ काम कर पाऊंगी। वंदना मैडम वो मेरे लिए आदरणीय, मेरे टीचर्स उनके सामने बैठूंगी कैसे, उनके सामने मैं कैसे करूंगी। और जब मैडम प्रिंसिपल पहली बार बनी तो उनको भी डर, मैडम कैसे बोलूं, तो हमारे दीदी शालू दीदी बोलते थे हम लोग पहले, उनको बड़ा हेजिटेशन होता था। मेरे को बड़ी मुश्किल से फिर मैंने सब कुछ एडजस्ट किया, तभी से लेकर मैं आज तक इसी स्कूल में नौकरी करी। इसीलिए मैंने प्रण ले रखा कि जब तक भी नौकरी करूंगी मैं इसी स्कूल में करूंगी और यहीं बनी रहूंगी।